दरअसल आज हमारा मकसद है हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक करना, और इसीलिए डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल, एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। आप जानते हैं जैसा कि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। जो तस्वीर इस वक्त देख रही हैं, ये तमाम पेशेंट हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक लैब है, यहाँ पर ये लोग टेस्ट कराने के लिए आए हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर पहुंच गए कि आइए सीधे उन्हीं से इंटरेक्ट करेंगे और उनके मन में जो सवाल है उनसे जानेंगे कि क्या क्या सवाल है। हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल है, देश के बड़े डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनूप मिश्रा हैं, डॉक्टर कल्याण बैनर्जी हैं, डॉक्टर समीर भाटी हैं, डाइटिशियन डॉक्टर शिखा शर्मा मौजूद है। छोटा सा सवाल डॉक्टर समीर भाटी से है, जो मेरी सहयोगी पल्लवी पेशेंट से पूछना चाहती है। जल्दी से पल्लवी, आप अपना सवाल डॉक्टर समीर भाटी से पूछना चाहते हैं। हाँ जी, डॉक्टर समीर भाटी से मेरा क्वेश्चन है, जो मुझे 15 सालों से मेरा डायबिटीज है, आगे मेरे बच्चे के लिए कौन सी टेस्ट करानी चाहिए जिससे उसको ये पता चले जाएगा फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। ओके, डॉक्टर समीर भाटी आपसे ये सवाल। रिस्क में आ गया ऑलरेडी, क्योंकि आपको डायबिटीज है और आपके बच्चे को भी, आप तो फैमिली हिस्ट्री जैसे आप बता रहे हैं कि डायबिटीज की है, तो उनको बेसिक से टेस्ट करा सकते हैं। एक शुगर खाली पेट आप टेस्ट करा लीजिए उनका, जब भी आप कराएं 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के अंदर सैंपल दें, और उसके बाद एक ग्लूकोज के बाद सैंपल ले सकते हैं। मतलब ग्लूकोज दिया, 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं लैब के अंदर, और वो ग्लूकोज 5 मिनट के अंदर पीने के बाद टाइम नोट करेंगे, और उसके 2 घंटे के बाद आप एक सैंपल दे सकते हैं। और एक तीसरा टेस्ट बहुत अच्छा, जो HbA1c टेस्ट हम जिसे कहते हैं, वो आपका एक एवरेज ब्लड शुगर बता देता है, उसका आप सैंपल दे सकते हैं। तो इन टेस्ट से आपको आइडिया मिल जाएगा। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से आज जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। अब मैं इस शो में जितने भी मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े, एक्सपर्ट जुड़े, मैं उन्हीं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।